नमस्कार, मैं आप सभी को दिस इज योर बॉय कार्तिक। अगर आप लद्दाख पहली बार जाने के लिए प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखना चाहोगे आप, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ और कहाँ पे हम रुके भी, अकोमोडेशन। मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। गेस्ट हाउस, लाचिक गेस्ट हाउस ऑन टॉप ऑफ ले। ओके, दिंचता हूँ ना। कोरोना प्रिकॉशंस। थैंक यू भैया। सॉरी, अरे इसमें क्या है यार, ये जरूरी है। लाचिक गेस्ट हाउस होम स्टे बेसिकली, एंड ये रेडी ఏం చేస్తాను మనం లే మ్యాప్ పాంగోంగ్ లేక్ ఖార్దుంగ్లా శాంతి స్తూప अभी आप जैसे देख रहे हो, अभी हम लेह में और हमारा अगला प्लान है कारदुंगला से जाते हुए हम सीधा का सीधा पहुंचने वाले नुब्रा वैली, जो डिस्किट आपका मेन प्लेस है, हुंदर और जो वहाँ पे सैंड ड्यून्स है वो सारे। तो ये फिलहाल वाला प्लान रहेगा। और आप ये जो देख रहे हो दो नदियाँ, इंडस और आपका दूसरा शोक नदी, वो दोनों मिलके आपका वहाँ से स्टार्ट होते हैं। जो अभी हमारा होमस्टे का ओनर था वो तो अभी यही बता रहा था कि सर आप लोग तो बहुत कोऑपरेटिव हो, आप तो दिल्ली वाले नहीं लगते। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, होते यार हर टाइप के, बट गाइस आप एक बार देख लो कि हम दिल्ली वालों की कितनी जगह ऐसी बदनामी हो रखी है। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपेरेटिव कि हम लोग समझ जाए यार कुछ चीज़। आई होप आप सब लोग इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लोगे ढंग से। दिल्लीआइट्स, इफ यू आर लिसनिंग दिस, अगर आप सुन रहे हो तो यार थोड़ी तो हमारी रेपुटेशन रख लिया करो यार। दिल्ली वाले हो तो तुम करो कुछ तो, इज्जत रखो, कहीं जा रहे हो ट्रैवलर्स की तरह। तो वी नीड टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड द लोकल कल्चर एज वेल, सो दैट्स हाउ इट विल वर्क। राइट, ऑलराइट, अमेजिंग, इट्स क्यूट। अरे वाह, काफी क्यूट है भैया। हां ये रूम बड़े बढ़िया से दिया आपके लिए, जो बुकिंग करना है उससे अच्छा वाला है। हां बढ़िया बढ़िया, बुकिंग होगा मिल जाएगा। ठीक है सर, वो भी अच्छा है, वो इस थोड़ा और। हां काफी अच्छा भी है, काफी अच्छा है, कोई बात नहीं। बाकी सब इसमें चप्पल है चार। तो ये है हमारा बिल्कुल गेस्ट हाउस के बाहर का व्यू। आप जो ऊपर अभी पहाड़ी की साइड देख रहे हो वहाँ पे रोड जाती है, वो सीधा के सीधा खारदुंगला जाती है। तो अभी बेसिकली उस स्नो कैप माउंटेन से ही हमें गुजरना है। अभी हम 11,000 फीट पे हैं और हमें 18,000 फीट जाना है दो दिन में। ऑलराइट, वी विल टेक सम रेस्ट एंड देन गो ऑन फॉर एडवेंचर। मम्मी जी तो आते ही ढेर हो गई, बट लग अभी भी यही रहा है कि हम सबका वही हाल होने वाला है, क्योंकि अभी आए हुए सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे हुए हैं और यहाँ पे एकदम से आप दिल्ली की गर्मी से आप 10,000 फीट ऊपर आ जाओ तो आप समझ जाओ कि अभी क्या हालत हो रही हमारी। तो बस ये ऐसे ठंड ठंड में पूरा लगा के रखना पड़ रहा है पूरे टाइम, और ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ भाई
मतलब पता चल जाएगा आपको एकदम से, आप इतनी एलिवेशन पे आ जाओ वहाँ पे दिल्ली की गर्मी से। ये तो मार्च की बात है ना, तो मार्च में बेसिकली काफ़ी हॉट था। हमारे होम स्टे ओनर्स ने गर्मा गर्म दाल और सब्जी बनाई, और गाइस होम स्टेज में ही रुकिए, मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। मैं आपको हमारे पूरे खर्चे का तो ऑब्वियसली सीरीज़ के एंड में बताने वाला हूँ, बट बहुत ही हॉट फूड और बहुत ही अच्छा सर्विस था हमारे लाची गेस्ट हाउस में। इवन आप booking.com पे देखोगे, वन ऑफ द टॉप रेटेड अकोमोडेशन है ये। तो भाई इतनी ठंड में ऐसा गर्मा गर्म खाने का ना अलग ही मज़ा है। मतलब एक तरीके से रिजुविनेट हो गया था पूरा बॉडी इस ठंड में, कि हाँ थोड़ा सा शक्ति ले ले, उसके बाद फिर हमें वैसे ही जाना है आगे। चलिए थोड़ा सा बाहर दिखाता हूँ आपको बाहर कैसा था सीन। तो अभी हम लेह में जो है, लेह में एक तरीके से जैसे कहते हैं ना पॉश एरियाज टाइप होती हैं, वो टूवर्ड्स माउंटेन्स होती है, मतलब जैसे चिपका के। तो हमारा भी कुछ ऐसे ही था, और अभी मार्च के एंड में थे, यानी बेसिकली विंटर ख़त्म हो रहा था, तो सारा का सारा मतलब पत्ते झड़ चुके थे। और ये जो आप देख रहे हो, ये टिपिकल स्ट्रक्चर है, ये जो वुड की स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ही बनते हैं लद्दाख में सारे के सारे जो घर हैं। मतलब इट्स लाइक वो एक अच्छा माना जाता है कि जितना अच्छा वुड का स्ट्रक्चर हो उतना बढ़िया। एंड इवन काउस हैव अ लॉट ऑफ फर, लाइक रियली अ लॉट ऑफ फर। अब समय आ गया कि मैं आपको डिटेल में बताऊं कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आप पहली बार लद्दाख आ रहे हो, तो जैसे हम लोग सीधा का सीधा बिल्कुल प्लेन से हम 10,000 फीट पे लैंड करें, तो जैसे ही हम लद्दाख से मतलब एयरपोर्ट से बाहर आए तब तक तो कुछ नहीं लग रहा था। जब हम हॉस्टल पहुंचे, होटल पहुंचे, वहां पे ऐसा हो गया था कि बिल्कुल मतलब डिजीनेस टाइप आपको थोड़ी सी फीलिंग आती है, क्योंकि पहली बात ऑक्सीजन कम है यहाँ पे, दूसरी बात यहाँ पे एल्टीट्यूड एकदम से, आप जैसे ऊपर आओगे तो आपको लगेगा सर पे कुछ भारी सा किसी ने रख दिया है सर पे। सो वी टुक सम रेस्ट फॉर अराउंड आई थिंक मेबी 2 hours, 2.5 hours। इसलिए बहुत एडवाइजेबल है गाइस कि जैसे ही आप आओ, एक दो दिन तो आपको रेस्ट करना ही करना है। तो इवन मेरी मॉम को काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब वो बहुत मतलब डिजीनेस उनको फील करा, तो हमने एल्टीट्यूड सिकनेस की उनको टैबलेट दिए। तो ये चीज़ बहुत लोगों को हो सकती है। तो जैसे ही आप लैंड करोगे ना, तो एक दो दिन तो आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा, एंड इसके बिना नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप कार से आ रहे हो तो वो तो अलग बात है, क्योंकि कार से आप पूरा चढ़ चढ़ के एलिवेशन चढ़ते हो, बट यहाँ पे सीधा का सीधा प्लेन से 10,000 फीट पे आ रहे हो, तो इट विल हैव सम इफेक्ट ऑन यू, ऑन सम एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख लेना। और काफ़ी मतलब इस चीज़ में क्या है कि अभी आप जैसे एक्लामेटाइज हो जाओगे दो दिन, उसके बाद फिर आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। बस बाकी तो क्या ही बताऊं, जैसे आप यहीं से भी देख रहे हो ना, एकदम अलग टेरेन है, आप मतलब समझ सकते हो एकदम से ना, आपको अपने देश के लिए और थोड़ा प्रेम बढ़ जाएगा। क्योंकि यार ऐसा कौन सा देश है भाई जो इतनी वेरिएंसेस हो लैंडस्केप में, मतलब एक कोल्ड डेजर्ट है, वी इवन हैव आवर ओन कोल्ड डेजर्ट्स, बट यस दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। एंड या स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम पीसफुली एंड स्लोली। अभी हम पहुंचे हुए ले मार्केट, बहुत ही क्यूट मार्केट है गाइस। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ले सिटी कहते हो, बट वो एक तरीके से टाउन ही है, तो क्योंकि इतने एलिवेशन पे है, तो आप आराम से मतलब जो है सुबह आ जाओगे तो सारे सारे शॉप्स खुले होते हैं। बट हम जैसे मार्च एंड में थे, तो तभी रिस्ट्रिक्शंस थोड़े खुल रहे थे बिफोर सेकेंड वेव, तो इतने भी शॉप नहीं खुले हुए थे। बट डेफिनेटली आप रात को भी आओ, बहुत हैपनिंग प्लेस है यहाँ पे, आपको अच्छा रेस्टोरेंट से मिल जाएगा, और मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे बिल्कुल आपको टिबेटन खाना वो सब भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे ऐसे रोड पे लगाए हुए, और बहुत ही क्यूट और मतलब एक तरीके से सीनिक प्लेस है। सो प्रॉब्ली हैव सम मोर गुड टाइम ओवर हियर एंड देन गेट इन इनसाइड, बट एट द मोमेंट इट्स अमेजिंग। हाँ एक सेकंड।